ओके, तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल वीवीए माइक्रो एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो आपने कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया है, हमारे साथ मिस्टर राजीव जी हैं जो कि हमारे न्यू बैच जो आज से स्टार्ट हो रही है सुबह के 9:15 बजे उसमें ज्वाइन किया है आपने। राजीव जी सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने हमारे इस क्लासेस को चूज किया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे सकूं और आपके पास कोई कंप्लेन ना रहे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कोर्स के को पढ़ने के तरीके के बारे में। देखिए, हम आपको हर दिन हर एक टॉपिक के बारे में इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी टॉपिक क्या है, जैसे कि आपकी क्लासरूम में एक्सप्लेन की जाती है, राइट सर। उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट चीज लगे उसको डायरी में नोट कर लीजिएगा। क्लास की खत्म होते ही आपका जूम ऐप आपके इस क्लास की कन्वर्सेशन को आपको माई डॉक्यूमेंट में सेव कर देगा। माई डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जूम नाम का फोल्डर होगा, उसमें आपको ये सेव हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आपको उस वीडियो को कॉपी करना है और एक अलग फोल्डर में मूव कर लेना है और उस पर उसका नाम चेंज कर देना है। नाम क्या डालिएगा? जो टॉपिक कवर हुई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो जूम 1 जूम 2 इस तरह से बना के देगा, तो आप अपना नाम चेंज कर लेंगे तो सही रहेगा। फिर उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जैसे से मैंने करने की कोशिश की है, मैंने जो फीचर्स मैंने अप्लाई जिस तरीके और जिस स्टेप से किया है उसी स्टेप से आप उस फीचर को अप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत आती है, अगर छोटी मोटी दिक्कत आ गई तो मेरा नंबर है, अगर नहीं है तो स्क्रीन पर देख लीजिए, इस नंबर पे तुरंत कॉल मैसेज व्हाट्सएप। मान लो कॉल किया आपने, मैंने कॉल पिक नहीं किया। कॉल पिक ना करने का रीजन होता है कि मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, कोई कॉल आएगा तो मैं भी नहीं उठाऊंगा, मैं उसको साइलेंट कर दूंगा, जब क्लास के बाद मैं फिर कॉल बैक करूंगा। जब मैंने फोन नहीं उठाया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हुई जहाँ पे उसकी फोटो खींचिए व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसको देख के उस पर आपको सजेशन भेज दूंगा कि आप ऐसे करें। कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको डायरी में नोट कर लीजिए, अगली क्लास में क्लास शुरू होने से पहले पूछ लीजिए, ठीक है। तो रनिंग क्लास में क्लास से रिलेटेड जो मैं मान लो कि अभी मैं आपको अगर कॉपी पढ़ा रहा हूं तो कॉपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रीवियस क्लास से या फिर आपके ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप क्लास से पहले या क्लास के बाद में पूछिएगा ताकि टॉपिक डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ओके, उसके बाद जब आप उस चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसको रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ाया, राइट सर। कस्टम फॉर्मेटिंग जैसे मैंने पढ़ाया उसको आपने प्रैक्टिस कर लिया, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मान लीजिए मैंने आपको 15 चीजें बताई, आपने 15 चीजों को प्रैक्टिस करके सही कर लिया। अब बारी आती है उन 15 के अलावा कुछ नया ढूंढने की। तो गूगल पे, यूट्यूब पे आप उसको सर्च करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को 5, 10, 20 जितना हो सके उतने साइट्स को विजिट करें और उसमें देखें कि वो किस तरह से उस चीज को अप्लाई किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा किस चीज से कैसे अप्लाई किया हुआ है, क्या वो चीज आपको आता है, नहीं आता है तो करने की कोशिश करें, नहीं समझ में आया तो उसको आप नोट कर ले या उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दे, बताएं कि सर ये मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है समझाएं। फिर अगर छोटी मोटी चीज होगी तो मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, कोई बड़ी चीज होगी जो व्हाट्सएप पे नहीं समझ में आएगा तो उस केस को हम अगली क्लास में कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेनिंग हमारी लेनी है। पहला क्या है? पहला है अटेंड द क्लास, दूसरी है रिवीजन द क्लास और तीसरी है रिसर्च योर क्लास। क्लियर है? जी सर। तो ये प्रोसेस है हमारे ट्रेनिंग को लेने का, और आप क्वेश्चन पूछने के लिए फ्रीडम है, आप हमारे इस क्लास में जितना चाहे उतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। ये होगी। अब बात करते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट की। आपकी टाइम जो है वो 8:45 से 9:30 तक है, 45 मिनट की क्लास हो आपकी, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि 1 घंटा चला जाए या शुरुआत में वो आधे घंटे की ही क्लास हो, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि अभी आपको पढ़ने की आदत नहीं है, कॉलेज छोड़े काफी टाइम हो चुका होगा, अभी आप एक आप अगर न विश्वास हो तो एक काम कीजिएगा, एक बुक लीजिएगा, स्टोरी बुक नहीं, मैगजीन नहीं, पेपर नहीं, कोई एक सिलेबस बुक अपना बेटे का या भाई का या फिर जो भी होंगे आपके रिलेटिव, उनका एक बुक लीजिएगा और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि विद इन हाफ एन आवर में आपको नींद आ जाएगी। सही कह रहे हैं। क्यों? और वही हमारी कॉलेज लाइफ में, वही हमारी स्कूल लाइफ में हम 8-8 घंटा स्कूल में बैठ कर पढ़ते थे, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अभी क्या है, अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा भी पढ़ ले तो आंखों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जी सर, तो इसलिए हम शुरुआत में धीरे धीरे चलते ताकि आपकी स्पीड को बढ़े। और आपका माइंड भी लर्निंग के लिए सेट नहीं है, तो आप क्या करें कि दिन में 1-2 मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, उससे आपका माइंड क्रिएटिविटी में एक्टिव होगा। अब ये चीज मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर या साइकिस्ट तो नहीं हूं ना सर, क्या? तो ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो पढ़ने के लिए आते हैं वो हर फील्ड के होते हैं, कुछ मेडिकल फील्ड के भी है, कुछ डॉक्टर्स भी है। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आप अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह का बोलिए करने के लिए, तो उनका माइंड जो है लर्निंग के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। क्यों? अब देखिए, हम लोग स्कूल में या कॉलेज में इतना सीरियस नहीं लेते थे। हम लोगों का मेन मोटिव क्या होता था? मेन मोटिव होता था एग्जाम को पास करना। क्या मैं भी अपनी लाइफ बोल रहा हूँ कि अगर आपको अगर पढ़ाया जा रहा है कि क्या बोले उसके स्क्वायर रूट पढ़ाया जा रहा है, आपको अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, तो हम उसको बस इसी पर्पस सीखते थे कि ये हमारे एग्जाम में इतने नंबर का पूछेगा, इसको पढ़ लेंगे तो बना लेंगे तो इतना नंबर मिल जाएगा। हमने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि हमारे रियल लाइफ में इसका क्या यूज होगा। क्या? हाँ, लेकिन जो हमारी एक कोर्स है एडवांस एक्सेल रिपोर्ट ऑटोमेशन, ये हमारी रियल लाइफ से रिलेट करती है। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए। यही मोटिव है भी आपका, नॉलेज चाहिए। क्यों? कि उसको हम अपने ऑफिशियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। आपका मोटिव अभी ये नहीं है कि एग्जाम में देके पास करके सर्टिफिकेट लेना है, नहीं। आपका मोटिव है कि इसको यूटिलाइज करना है ऑफिशियल एनवायरनमेंट में। तो आप उतना देरी पढ़े जितना आप कैच कर सके। ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए एक टॉपिक मैंने कवर कर दिया और आप उस टॉपिक को आप कवर नहीं, मैंने आपको पढ़ा दिया बट आप नहीं पढ़ पाए, तो मेरा एनर्जी, मेरा टाइम सब वेस्ट है। मेरा एनर्जी और मेरा टाइम तभी माने कि ये होगा, सही होगा, जब आप, मैंने आपको 10 चीजें बताई तो 10 के 10 आपने उसको समझ के अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है? तो डेली मैथमेटिक्स के 1-2 सवाल टाइम मिले तो चेंज कीजिए। क्विज ही, यूट्यूब पे बहुत सारे क्यूज आते हैं, मैजिक, मैथमेटिकल मैजिक्स टाइप के आते हैं, उसी को देखिए और ट्राई कीजिए। इससे फायदा होगा कि आपने जो आपके बच्चे होंगे उनको भी सुना सकते हैं। सर आपके बच्चे तो होंगे ना सर, या फिर आप यंग हैं? अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, तो उनपे जो भी हो हम बता सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। देखिए, मेरी इस कोर्स को करने के लिए पहले से कुछ न कुछ चीजें आनी चाहिए, बेसिक वगैरह। बट प्रॉब्लम ये है कि बेसिक चीजें भी मैं कवर करूंगा, लेकिन बहुत सारे बेसिक चीजें में हो सकता है कि मैं कुछ छोड़ दूं, या हो सकता है कि वो लेवल तक मैंने एकदम 0 लेवल तक ना कवर करके एडवांस लेवल कवर कर दूं। तो इसलिए मैं हम हर जो भी न्यू ज्वाइनर होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, उनके साथ हम एक वीडियो शेयर करते हैं। ठीक है? वीडियो शेयर करके हर किसी को देते हैं। ये 5 घंटे का वीडियो है जिसमें हमने एक्सेल के बहुत सारे चीज कवर करने की कोशिश की है। और यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो मिल जाएगा आपको, और मैंने आपको ये व्हाट्सएप भी कर दिया हुआ है। ठीक है सर? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को सारा आप देखें, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में जो चीज इम्पोर्टेंट है उसको देखने की कोशिश करें। जो चीज आपको नहीं आता है उसको देखिए, जो चीज आपको आता है उसको स्किप कर दें। ये सारी चीज मैं एडवांस लेवल में कवर करूंगा जो मैंने बताया इसमें, लेकिन पहले से अगर थोड़ा बेसिक पता रहेगा तो हम आपको समझने में आसानी होगी, समझ गए? इसलिए मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ओके, हो सकता है कि आपके पूरी की पूरी वीडियो की सारी चीज आती हो सकता है कुछ भी ना आता हो, इसलिए एक बार देख लें, उसके बाद हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है सर? और कुछ पूछना है किसी तरह किसी चीज को? मैं जो आप बताएंगे वही है। ओके, दूसरी चीज है, एक बार आप एक्सेल के आर्किटेक्चर को समझ लीजिए। एक्सेल का आर्किटेक्चर क्या है? देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको हम कंपेयर करते हैं स्प्रेडशीट से। मतलब कि अगर हम मैनुअल रजिस्टर जो इस्तेमाल करते थे वही रजिस्टर हमारा एक्सेल है। अब इसके यूज के बारे में एक बार जान लीजिए कि इसका यूज क्या क्या है। ऑफिस में हम क्या यूज करते हैं? इसको सबसे पहला यूज होता है डेटा स्टोरेज। अब डेटा स्टोरेज में हम इसको डेटाबेस नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल डेटा स्टोरेज, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है? और दूसरी है कि हम क्योंकि ये डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस टूल्स नहीं है, ये एनालिटिक टूल्स है, बट हम डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम जैसे छोटे उद्यमी है, छोटे छोटे मोटे लोग हैं जिसके पास 20-50 हज़ार का डेटा होता है, वो इसको यूज करके डेटा इसमें रख सकते हैं। लेकिन इसमें डेटा रखेंगे तो डेटा सिक्योर नहीं होगा, याद रखिएगा। सर, ये आपको वर्जन कौन सा है? क्या मेरा वर्जन है 2016। आपको मैं 2016 और 2019 में क्लास दूंगा। अभी फिलहाल इस पीसी में 2019 नहीं है क्योंकि ये विंडो 8 है। 2019 के लिए विंडो 10 चाहिए होगा। तो सर 2016 तो मेरे में नहीं होगा शायद। कौन सा वर्जन आपके पास है? 2010 होगा। कोई बात नहीं, सब सिमिलर है। आप सीखिए तो अपडेटेड वर्जन सीखिए ना सर। तो मुझको आप दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, बाद इस पर बात कर लेंगे जी। तो सबसे पहला काम होता है डेटा स्टोरेज। किसी पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने का काम करता है आपका एक्सेल, लेकिन स्मॉल डेटा। फिर इसको हम कह सकते हैं समराइजेशन, समरी, समरी क्रिएशन या एनालिसिस कह सकते हैं। ठीक है? अब समरी क्रिएशन, देखिए कोई भी एनालिसिस, कोई भी रिपोर्ट आपका समरी ऑफ द डेटा ही होता है। डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली किसी न किसी डेटा का समरी ही होता है आपका रिपोर्ट। तो ये आपका रिपोर्ट समरी बनाने, डेटा एनालाइज करने के लिए एक्सेल परफेक्ट है। उसके बाद बात आती है रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? मान लीजिए कि आपको कोई रिपोर्ट, आपको कोई रिपोर्ट्स या किसी तरह की इंफॉर्मेशन अपने टीम को प्रोजेक्टर के थ्रू या किसी को देना है आपको, तो लोग प्रेजेंटेशन के लिए प्रेफर करते हैं कौन सा? पीपीटी को। बट पीपीटी में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो डायनेमिक नहीं होता है। डायनेमिक जैसे मान लीजिए ना, ये हमारा एक सेल्स डैशबोर्ड है। सेल्स डैशबोर्ड दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ये हमारा डेटा की, इस सेल्स डेटा के ऊपर बना हुआ है। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए कोई पर्टिकुलर, क्या है, एसिफिक दिख रहा है ना, एशिया पैसिफिक में रिपोर्ट दिख रहा है, मुझे यूरोप का देखना है। जस्ट मैं यूरोप पे कर्सर ले जाऊंगा, डेटा में यूरोप का दिख जाएगा। मिडल ईस्ट पे मिडल ईस्ट का, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका। इस तरह से मैं यहाँ से फाइनेंस करूंगा तो मेरे पास फाइनेंस का, फाइनेंस इंडस्ट्री का पूरा डेटा आ जाएगा। आ रहा है सर? जी आ रहा है। तो फाइनेंस इंडस्ट्री का डेटा आ जाएगा। हाँ, एक्सेल में बना हुआ है। हाँ, एक्सेल में बना हुआ है। आपके सामने एक्सेल ही तो खुला है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही तो है। बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आप इसमें पीपीटी में नहीं ना बना सकते हैं। पीपीटी में मान लीजिए कि जितने एपीसीबी के उसके अलग अलग स्लाइड्स बनाने पड़ेंगे, जितने एनएसटी उसके अलग अलग स्लाइड बनाने पड़ेंगे, तो बहुत बड़ा बन जाएगा और देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी। यहाँ सिंपल एक है, हाँ इसलिए नहीं बन पाएगी वो। हाँ, तो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट जो हमारा है वो है शेयरिंग। मान लीजिए कि आपको कोई रिपोर्ट मुझे भेजनी है, तो हम क्या गया है, कोई डेटा भेजना है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे एक्सेल को। समझ गए? क्या प्रेफर करेंगे? एक्सेल ही प्रेफर करेंगे ना। मान लीजिए मुझे कोई आपको डेटा भेजना है, तो मैं किस पे भेजूंगा, नोटपैड पे तो नहीं भेजूंगा, पीडीएफ में, एक्सेल में भेजना चाहूंगा ना कि एक्सेल में भेजो। जी सर। तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपके सिस्टम में एक्सेल होगा। अब मान लीजिए मैं टैबलो यूज करता हूँ, मैं बीआई टूल्स यूज करता हूँ, सैस यूज करता हूँ, फॉक्सट्रो यूज करता हूँ, तो उनके डेटा का फाइल अगर मान लो टैबलो का फाइल आपको भेज दिया, तो अब आपके सिस्टम में टैबलो होगा तभी मेरे फाइल को देख पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं देख पाएंगे। सर आपने भी बताया कि सैस, हाँ सैश, तो ये भी डेटाबेस का है ना सर? सिर्फ एनालिटिकल टूल्स है, सिस्टम एनालिटिकल टूल्स है, वो डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, ऑटोमेट वगैरह यूज होता है वो। लेकिन सबसे सबका मदर एक्सेल ही है, मतलब कि एक्सेल तो आना ही चाहिए, बाकी तभी कुछ कर पाएंगे आप। जी सर, ठीक है ना। जी सर। तो शेयरिंग है, तो ये चार मेन यूज होता है हम अपने ऑफिस में। हम स्मॉल या मिसलेनियस डेटा को स्टोर करते हैं, हम उस पे एनालिसिस समरी या यहाँ पे इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन भी करते हैं। इसमें अभी एक और रह गया, फाइंडिंग का। क्या फाइंडिंग का? कुछ चीज अगर फाइंड करना है। हाँ वही ना, हुआ कैलकुलेशन इसी में आ जाता है। ऐसे तो बहुत सारे स्टेप है, तो बहुत सारे यूज हो जाएगा सर। जी, कैलकुलेशन भी इजी होता है यहाँ पे। तो ये सब यूज है एक्सेल का। तो राजीव जी आप जो है वो वीडियो को कंप्लीट कीजिए, फिर कल हम आपके साथ एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, अगर आप वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो। ठीक है? ओके सर, ठीक सर। मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर, ठीक।